हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के भी 10 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। ओम के पटेल द्वारा ना लिया अभी कहां ना बिना सब बन चुका है। मैं भी खा के रेडी हो चुका हूँ। रोटी बनी है और चने की सब्जी बनी है। कह रहे थे आप अभी भाई साहब? बस बर्तन धुल के नहाने जा रहा हूँ मैं। नहीं अभी अभी जो पहले कह रहे थे वो बताओ, रियल बात जो बोल रहे थे। यही कह रहा था कि मैं नहीं नहा रहा हूँ। नहीं इतना ज्यादा मेरे घंटी है, इसका नहाने का मन नहीं है। हिमून की गर्मी में भी तेरा नहाने का मन नहीं है। तो गाइस ये चप्पल गंजू है, इन्होंने बस मुंह हाथ धोए हैं जून की गर्मी में। चप्पल आया हूँ बाल में पानी डालने से कोई नहाया जैसा नहीं लगता। ध्रुव का पीसी आया हुआ है, सेकंड हैंड लिया था इसने, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अभी हम उसको डालने जा रहे हैं, देखते हैं सही हो पाता है या नहीं। और ये है मेरी चाची जी का लड़का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये है ध्रुव का सीपीयू, ये मॉनिटर है, ये है सीपीयू और ये कीबोर्ड। तो गाइस अभी ये कीबोर्ड ही पूरा खराब है क्योंकि इसकी जो डाटा केबल है वो इस गधे ने काट दी थी। इसे लगा कि इसमें प्लग लगेगा। मैंने काटी थी। हाँ झूठ बोल रहा है तो नहीं काटी, झूठ नहीं बोलना है ब्लॉग में। और ये क्या है? जो भी हो तो ये तीनों ही चीजें हमको संभलवानी है और एक नया माउस लेके आना। एडिटिंग अच्छे से सीखियो, उसके बाद अपनी सारी वीडियोस की एडिटिंग तू ही करेगा, ठीक है? चला चलना है घर से बाहर। अभी हम लोग आ गए हैं और अभी जा रहे हैं हम दुकान पे। दुकान पे जाकर के डाल के आएंगे पीसी। देखते हैं दुकान खुल रही होगी तो डाले आएंगे, वरना फिर शाम को जाना पड़ेगा। तो गाइस दुकान तो अभी बंद है, शाम को जाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो अभी हमारा मन है मोमोज खाने का। मोमोज वाली दुकान दिख रही है तो हम मोमोज खाने जा रहे हैं। इससे पहले आइसक्रीम पूरे फिनिश कर लेते हैं। और कंप्यूटर की दुकान अभी बंद है, शाम को आएंगे दोबारा देखने। हो सकता है शाम को खुल जाए तो शाम को डाल जाएंगे समझवाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं फास्ट फूड की दुकान पर। वही ले ले, स्ट्रीम नहीं फ्राई ले ले। मोमोज अभी फ्राई हो रहे हैं, ये तो चिली पोटैटो है। थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है यार। अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इस यूट्यूब पे, उस पर तुरंत ही 3 कमेंट आ गए आधे घंटे के अंदर। तो पहली बार ऐसा हुआ कि अपने आप 3 कमेंट आई हूँ और ये मेरे लिए उतराव वाली बात है। को मन कर रहा मैं सीन ले जा रहा हूँ। सो फाइनली सीन कंप्लीट हो गए हैं, जो भी आपने देखे हैं। एक सेकंड पहले शुरू करते हैं। ध्रुव के जिम में पानी आ रहा है। तो गाइस मोमोज तो फिनिश हो गए, इसको फेंक देते हैं। तो गाइस फास्ट फूड खा करके तो हम लोग आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे। ये है मेरी चाचा जी की लड़की, तुम भाई साहब शो करके आ रहे हैं। अभी चाय पी ली? पी ले जाकर के, सभी लोग पी रहे हैं, ध्रुव भी पी रहा है। ऐसा कह रहा था। हाँ यार हर बात में टोंट बाजी। और ये बॉच किसकी ले ली? ये तो तेरी है। नहीं चाचा जी ने दी। क्या कह रहा था मैं? ये कहा ना इसने कहा होगा तेरे से कि इसका शरीर टूट रहा है, दवाई ले आओ। तो तूने क्या कही इससे? बहन के पैसे कहा मेरे पास? और क्या तुमने कही थी कि? और क्या फायदा तुमने कही थी कि? बढ़िया तो हम ही सही है, सूखे सूखे से हमें शरीर टूटे तो ना है, दर्द तो ना हो गए हाथ पैर में। तुम्हारा तो हर अगले दिन हाथ में दर्द, शरीर टूट रहा है। एसी में सो गए देख लो दो दिन। अरे सो गए हैं खूब, यहाँ सोया नहीं हो? एक दिन सो गए तो ज्यादा ही हो कर लो। एक दिन तो है। हाँ एक दिन सोया एसी में। तू बता कितने दिन सोया? पाँच दो दिन ही सोया तुम। अभी तो तू एक दिन कह रहो, ऐसे दो दिन बढ़ गए, ऐसे तीन दिन बढ़ जाएंगे। निकलो यहाँ से। मारे मत, मारेगा नहीं, मारेगा मारेगा नहीं। बिना हाथ के मार रहे हो तो बदतमीजी करेगा। तो मारेगा तू? क्या कह दिया उसने? चल निकलो, कहा कह रहा है? कम कैप्टन बनेगा बीच में आके। क्या को बोल रहे हो बीच में? तुम दो दिन सोयो, तीन दिन सोयो, ना सोयो, जो बोलता बीच में तेरे को कोई कप्तान बना रहा है? मैं वो कप्तान बनना भी नहीं। अगर तो बोलता बीच में ना बनना तो। तूने क्या कहा था इससे? शरीर टूट रहा है इसका। इसने कहा था तुझसे शरीर टूट रहा है? तीसरे दिन जे यही कर रहा है, सिर में दर्द है रहा, पैर में दर्द है रहा, शरीर टूट रहा है। तो मैंने यही कही कि शरीर टूट रहा है, मैं क्या करूँ? फिर तूने क्या कहा? दवाई वगैरह दिलवाली हो क्या? मैंने की तुम्हारे यहाँ शरीर को क्या फायदा है? इससे बड़ी तो हम सूखे सूखे से सही है, हमें दर्द तो ना होगा शरीर में। सूखे सूखे से सही है। सब बकवास क्या बात है? फिर बोलगा तू, तेरे कान पे मार दूंगा तेरे से 10 बार कह चुका हूँ, बीच में मत बोले कर। मत बोल कान ना, 2 मिनट रुक जा, मत बोले कर तू जा। मैं चुप हो गया हूँ, मैं वहीं के दो बोलते ही। अब तू भी मत बोलियो, तू चुप रह, 2 मिनट चुप हो जा बस। आज ही नहीं कभी मत बोलियो, अगर हम तीनों की लड़ाई हो रही हो तो। अब उसके लिए लिया दवाई, दर्द हो रहा है अभी, खुद ली ना होगी, 6 बज रहे हैं, 9 बजे खुलती है दुकान। जब तक पैरासीटामोल या फिर कुछ और खा ले। तुम सोच रहे हो वहाँ से ऐसे करते रहे तू, वहाँ से प्यार हुआ कर तू, बस गलत बात कर रहे हो तो मारूंगा, गोला खिलाऊंगा तुझे दोपहर। कितना गोला दिया था?
दिया तो था। मैंने कहा था इससे, मैंने कहा था ना तुझसे कि बोल, है ना? यस। मैंने कहा था इससे यार। कैसे? ये क्या कर रहा है? ऐसी लड़ाई होती है हमारे घर में, चूहा भी इधर है। दो मिनट में लड़ाई, दो मिनट में साझेदारी। आगे हो गई आपको समझ में लीला हमारे घर की। अब तुम जलवा देखोगे कैसे भागेगा। मेरे मार दिए तूने ध्यान रखिए। अब भूमि से निकल रहे हैं। ओम पकड़ियो, ओम पकड़। चाची आ चुकी हैं। तीन चार बार इसने मारा था तकिया, जब मैंने इसके मार लिया। पूछो ये उधर पंखा साफ हो गया है, पंखा खूब साफ हो रहा है। गाइस देखो बहुत ज्यादा थक चुके हैं लड़ाई करते करते, और हम अभी दूसरे रूम में आ चुके हैं। और पिलो फाइट में मेरे हाथ में हाथ टकरा गया, तो यार हाथ में दर्द हो रहा है बहुत तेज। आप लोगों को हमारी फाइट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं पीसी वाले भैया की दुकान पे, देखते हैं अगर उनकी शॉप खुल रही होगी तो डाली आएंगे हम पीसी समरवाने के लिए और पूछ आएंगे कितने पैसे लेंगे। अगर नहीं खुल रही होगी तो फिर कोई बात ही नहीं है। दुकान तो खुल रही है भैया की, हमें पीसी नहीं करवाना। हार्ड डिस्क वगैरह पड़ेगी, विंडो वगैरह पड़ेगी, पूरा उठा के लाना। तुम देख लेना उसमें क्या क्या खराबी है। अगर डिस्प्ले सही हो तो डिस्प्ले, मैं पूरा आइटम ला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या सही है। तुम पर सही करने से पहले बता देना उसमें क्या क्या खराबी है। कितने पैसे लग जाएंगे? ठीक है उठा के ला रहा हूँ मैं पूरा माल पास। चलो दोस्तों पीसी की बात करके आ चुके हैं हम लोग। वो भैया बोल रहे हैं पहले हमारे पास लेकर के आओ, उसके बाद ही वो बता पाएंगे उसमें क्या क्या खराबी है। तो अभी हम उनके पास जाएंगे एंड उसको संभलवा लेंगे। जो भी है उसमें जो भी खराबी होगी उसको संभलवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो संभलवानी तो है ही हम लोगों को। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, उसको तो हम संभलवा ही लेंगे। अब अगले ब्लॉग में बता दूंगा मैं आपको कि वो संभल गया या नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।